हर घर तिरंगा यात्रा जिसकी शुरुआत हुई प्रगति मैदान से और समापन हुआ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और इस पूरी बाइक रैली के साथ हम चले प्रगति मैदान, उसके बाद इंडिया गेट और उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जहां पर इस बाइक रैली का समापन हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिये यहाँ पर सभी जो बाइक पर लोग मौजूद थे, स्कूटीज पर जो लोग मौजूद थे, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यही वो जगह है जहां पर इस यात्रा का समापन होगा। देखिए किस तरीके से लोग तिरंगे हाथ में लिए यहां पर पहुंचे हैं और देशभक्ति की भावना से सराबोर होकर ये लोग यहां पर पहुंचे और हर किसी के मन में एक ही भावना थी कि हर घर तिरंगा फहराना है। और इसी मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत भी की गई कि 15 अगस्त के दिन हर घर के परिसर पर तिरंगा फहराया जाए, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर और ज्यादा जगाई जाए। इसी कोशिश के साथ तिरंगा यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहां पर इस यात्रा का समापन हो रहा है। बीजेपी के कई सांसद, मंत्री और आम लोगों की भी मौजूदगी इस यात्रा के दौरान देखी गई, लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद यहां पर नजर नहीं आया, जिसको लेकर लगातार हमने सवाल भी पूछे, लेकिन कहा गया कि विपक्ष को न्यौता दिया था लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद बावजूद इसके यहाँ पर नहीं पहुंचा। बहरहाल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर इस यात्रा का समापन हो रहा है। तो देखिये इस वक्त हमारे साथ रमेश भिदुड़ी साहब है, से पूछते हैं। रमेश जी, आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं लेकिन विपक्ष का कोई सांसद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जाकी रही भावना जैसी, अब विपक्ष की भावना एक परिवार से बाहर निकलती नहीं है तो उसमें देश क्या करेगा, इसीलिए देश ने घर बैठा दिया विपक्ष को। 440 पे हो गई। इनविटेशन दिया गया था आप लोगों की तरफ से, पूरे देश के सभी सांसदों को इन्विटेशन है। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसी खंड काल में 1900 के इसी खंड काल में देश आजाद हुआ था और इसी खंड काल में प्रारंभ हो गया है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। क्या वजह आपको लगती है कि विपक्ष आज यहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई सांसद कोई मंत्री विपक्ष का नजर नहीं आ रहा, क्या आपको सबसे बड़ी वजह लगती है इसके पीछे? नहीं नहीं, उनको ये लगता है, तिरंगे को भी ये लगता है कि पार्टी का हो गया है, क्योंकि इन्होंने तिरंगे की चोरी की थी जब कांग्रेस का गठन हुआ था कि देश ये समझेगा ये राष्ट्र का प्रतीक है, तो तिरंगे की चोरी कर ली थी। लोग ये समझते थे तिरंगे का मतलब कांग्रेस है, जबकि तिरंगे का मतलब भारत है। अब ये देश को पता लग गया है तो वो तिरंगे से दूर भागने लगे। अब वो तिरंगे से दूर भागकर तुष्टिकरण की तरफ भाग रहे। कहीं धारा 370 क्यों हटा दी गई, इससे परेशान है। कहीं कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर देश के प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में जाकर नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ते, वो इससे परेशान है। इस बात की उनकी परेशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा होता है, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। नहीं नहीं, विपक्ष के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। जो पिछले इस 9 साल में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से तेज गति से कार्य हुए, सबका साथ सबका विकास के साथ में, गरीब कल्याण के साथ में, वो सब 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम हुआ है, इसीलिए वो कैसे रुक जाएंगे? वो रुक ही नहीं सकते, कैसे सुन लेंगे वो कि दे हैव डन एनीथिंग और मोदी हैज डन ऑल थिंग्स।